प्रमेय 8, कथन। वृत्त की परिधि के किसी बिंदु पर व्यास द्वारा अंतरित कोण समकोण होता है। चलिए एक अगला गुणधर्म देखते हैं। इसके अनुसार वृत्त की परिधि के किसी बिंदु पर व्यास द्वारा अंतरित कोण समकोण होता है। तो इसके लिए चलिए हम सबसे पहले वृत्त का व्यास खींच लेते हैं। इसके लिए हम वृत्त पर पहले एक व्यास बना लेते हैं। तो वृत्त पर व्यास लेने के लिए एक बिंदु हमने ले लिया, कहीं भी ले लीजिए वृत्त की परिधि पर, ये बिंदु A हमने ले लिया और वृत्त का व्यास बनाना है। तो हम जानते हैं कि व्यास जो है वो केंद्र पर 180 अंश का कोण बनाती है। तो बिंदु A से एक रेखा खंड लें जो केंद्र से होकर गुजरेगा और केंद्र पर 180 अंश का कोण बनाएगा। ठीक है, तो हम इसे ले लेते हैं इस प्रकार से। ये देखिए केंद्र से होकर जा रहा है ये, और उसके बाद ये देखिए यहाँ पर हम बिंदु B ले लेंगे। ये बिंदु B हमको यहाँ पर लेना होगा। ये बिंदु B हमने ले लिया। इस प्रकार हमें AB एक व्यास मिल गया है। अब हमें यह चेक करना है कि AB व्यास द्वारा शेष परिधि पर कोई बिंदु लेने पर बनने वाला कोण का मान कितना होता है। इसमें हमने ये इस तरह से चांदा फंसा लिया। अब कोण बना लेते हैं व्यास के द्वारा बनने वाला कोण, ये आपने बना लिया। ए बी व्यास द्वारा वृत्त के परिधि पर, वृत्त के परिधि के किसी बिंदु पर बनने वाला कोण हमें मिल गया ए सी बी। इस कोण का हमको मापन करना है। इस कोण के लिए देखिए ये आप देखेंगे आधार रेखा को इस तरीके से, ये आधार रेखा के समानांतर है। ये देख लीजिए ये हमारी जो ए सी रेखा है वो आधार रेखा के समानांतर है, और इस स्थिति में आप देख रहे हैं कि हमें जो कोण मिल रहा है वो 90 अंश का है। ए सी बी कोण यदि आप देखेंगे तो आपको 90 अंश का दिखाई दे रहा है। इस प्रकार ए बी व्यास द्वारा के वृत्त पर, वृत्त की परिधि के किसी बिंदु पर बनने वाला जो कोण मिला वो हमें समकोण मिल रहा है। और व्यास जो है वो वृत्त को दो भागों में बांट देता है, प्रत्येक भाग अर्धवृत्त कहलाता है, इसलिए कहते हैं कि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। चलिए हमने प्रायोगिक सत्यापन देखा इस गुणधर्म का, अब हम इसे तार्किक रूप से सिद्ध करते हैं।